अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्ग और भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि वबशिरिल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहाती। ए महबूब अलैहिस्सलाम, खुशखबरी दे दें उन लोगों को जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक आमाल किए। अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, उनके लिए जन्नत है और जन्नत वो है जिसके नीचे नहरें बह रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों को खुशखबरी सुनवाई और सुनवाई भी हुजूर के मुकद्दस लबहाए मुबारका से। आप इन्हें खुशखबरी दे दें कि इनके लिए जन्नत है, बागात हैं और बागात वो हैं जिनके नीचे नहरें रवा दवा। लेकिन किन लोगों को? जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक आमाल किए। कुछ ना कुछ इंसान को ना अमल करना चाहिए, वो जो अमल है ना, कोई बंदा अपने अमलों से जन्नत में नहीं जाएगा, जन्नत में खुदा के फजल से जाएगा। लेकिन ये जो आमाल है ना, ये सबब बनेंगे अल्लाह की रहमत का, ये जरिया बनेंगे खुदा के करम के मतवज्जे होने का। जब हम नेक अमाल करेंगे तो उस अमल की वजह से रहमत होगी और वो रहमत हमें अल्लाह के करीब भी ले जाएगी और उस रहमत की बरकत से रब जन्नत भी अता फरमाएगा। हमारे यहाँ ये होता है कि हम ज़्यादातर चीज़ों को तकरीर सुनने की हद तक लेते हैं, अच्छी नसीहत का लुत्फ ज़रूर हासिल करते हैं, अच्छे जुमले को अपने दिल में उसकी फरहत ज़रूर महसूस करते हैं, लेकिन अमल की तरफ नहीं बढ़ते। उसका नुकसान ये होता है कि ये माज़ल्ला एक बाकायदा शोभा बन जाता है कि मैंने बड़ी खूबसूरत तैयार करके तराश खराश करके बात करनी है, बड़ी उम्दा करनी है। अच्छे अच्छे अदीब तो पैदा होते हैं, अच्छे खतीब, अच्छे वायस, अच्छे सुनने वाले, दाद देने वाले तो पैदा होते हैं, लेकिन अगर अमल का शौक ना पैदा किया जाए तो फिर बातें नशिस्तन गुफ्तन बरखास्तन तक रह जाती हैं, उसका लुत्फ नहीं आता। फिर तो तकरीरें हो रही हैं, होती हैं और होती रहेंगी, नतीजा क्या निकला? जो आदमी कहता है मैं इतने सालों से तकरीर सुन रहा हूँ, तो सवाल यह है कि भाई इतना सुनने के बाद तू समरे कितना? सुनने का एक ही मकसद ज़िंदगी में आप समझ लें कि सुनने का मतलब संवरना है। और अगर आपने खैर की बात सुनी और आप संवरे ही नहीं, मैं आपको दावत फ़िक्र देता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक औरत थी, तवाइफ थी, सारी ज़िंदगी उसकी गुनाहों में गुजरी माज़ल्ला। फिर वह कुएं के पास से गुजर रही थी, एक प्यासा कुत्ता उसने वहाँ प्यास से तड़पते सिसकते देखा और फिर उसने अपने जूते को लटका कर अपने दुपट्टे की मदद से या जैसे उससे मुमकिन हो सका उसने पानी निकाला, कुत्ते को पिलाया, अल्लाह ने उसकी बख्शी फरमा दी। आप माशाल्लाह हज़ारों में लोग हैं, आपने बड़ी जल्दी मुझे ये बताना है, ये हदीस आपने पहले भी सुनी हुई है ना? मेरा ख्याल है कोई बंदा नहीं रहा जिसने ना सुनी हो, सुनी हुई है ना हमने अल्हम्दुलिल्लाह। इतने सारे बंदे जो यहाँ मौजूद हैं उन्होंने सुनी हुई है, तो जाहिर है उम्मत मुस्लिमा में जितने लोग हैं ढेर सारों ने ये बात सुनी होगी। लेकिन मेरा सवाल ये है, मैं सड़कों पे रोडों पे सफ़र करता हूँ, हमने ये हदीस दर्जनों बार सुनी कि तवायफ ने कुत्ते को पानी पिलाया तो उसकी बख्शिश हो गई, लेकिन हाल ये है कि सड़क पर किसी गाड़ी से टकरा कर अगर कोई कुत्ता मर जाता है, अब मर ही गया है, गाड़ी वाला, मोटरसाइकिल वाला, हजारों वाला, बस वाला, कोई इतनी जुर्रत नहीं करता कि लकड़ी के साथ रस्सी के साथ ही पकड़ के उसे साइड पे कर दे। उस सड़क पे मरा हुआ पड़ा रहता है, यहाँ तक कि गाड़ियों के टायरों के साथ उसका गोश्त लग लग के सड़क साफ होती है। उस महबूब के मानने वाले जिस महबूब ने बताया कि तवायफ ने पानी पिलाया था और हमें समझ भी आ गई और हदीस पढ़ भी ली और सुन भी ली, उस मुल्क की जो मुसलमानों का मुल्क है उसकी सड़कों पर मरे हुए कुत्तों को उठाए भी कोई ना, और जख्मी कुत्ता जख्मी हो ही गया है, अब उसे सड़क से साइड पे ही कर दिया जाए कम से कम, ताकि उसकी अगर जान बाकी है तो बच जाए, तो फिर मुझे बताओ ना मेरे दोस्तों, हमने किस लिए तकरीरें सुनी हैं, किस लिए खुतबे सुने हैं? वाज़ो नसीहत की मजालस का मतलब हमने क्या समझा हुआ है? तकरीर, तहरीर, तसनीफ, अच्छी गुफ्तगू, अच्छा जुमला, इसका माना हम क्या समझते हैं? तो आज जो खूबसूरत घड़ियां शबे बारात की सूरत में हमें नसीब होने जा रही हैं, उससे पहले पहले अपने दिल में यह इरादा करो कि रब करीम ने हमें जितना दीन का फहम दिया है, समझ दी है, इल्म दिया है,
हम इरादा करते हैं अब हम सिर्फ सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ बयान ही नहीं करेंगे, हम अमल भी करेंगे। कोई थोड़ा सा ना अमल का रास्ता भी तो मेरे अजीज होना चाहिए। अब मतलब बहुत सारी जगहों पर जाने का मौका मिलता है तो लोग कहते हैं पीर साहब नाराज ना होना, हमने बड़ा बंदोबस्त किया हुआ है, तकरीर ज़रा ना सवा को घंटा करना। तो मैं कहता हूँ मसलन आप मुझे बताएं ना, सवा घंटा तकरीर करा के आपने क्या करना है? अगर तो आपने इसलिए बुलाया है कि जनाब एक बात सुनेंगे, एक बात होगा, सर धुनेंगे, तो वो तो मुझे आता ही नहीं। तो मैं तो मुख्तसर बात करूँगा और उतनी करूँगा जिसकी ज़रूरत महसूस करूँगा। लंबी चौड़ी तकरीरों का क्या मतलब है, हम क्या चाहते हैं सिवाय इसके कि जनाब बात बड़ी अच्छी कानों को लग रही है, मज़ा बड़ा आ रहा है, तो आपने लिया क्या, नतीजा क्या निकला? मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा जो हुजूर से नसीहतें लेते थे वो कैसी थी? हज़रत अब्दुल्ला बिन बुसर रदी अल्लाह तआला नो हाजिर बारगाह हुए, आके अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आया हूँ सोनिया, पता नहीं दोबारा आ सकूँ कि ना आ सकूँ। हुजूर पता नहीं मौका मिले ना मिले, एक बात मुझे बता दें, मैं उस पर अमल करूँगा, मेरी ज़िंदगी भी बन जाए और आखिरत भी बन जाए। तो करीम महबूब ने फरमाया अब्दुल्ला जुबान को खुश्क ना होने देना, इसको तर रखना। तर हुजूर किस चीज़ से? फरमाया अल्लाह के जिक्र से तर रखना, जुबान अल्लाह के जिक्र से तर रहे, हर वक्त रब की याद रहे, तेरी दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी। तो मेरे अजीज अपनी जिंदगी के अंदर अब हमने अमल करना है। ओ जनाब कमाल, फिर यह है कि जब वाज सुनने का शौक बढ़ जाता है, तकरीर सुनने का शौक बढ़ जाता है, सुनने सुनाने का खाली मिजाज हो जाता है, फिर बंदा ढूंढता फिरता है कि नई से नई चीज कहां मिलती, अनोखी से अनोखी चीज कहां मिलती, इनफरादी से इनफरादी बात। मेरे भाई आप जरूर सुने, जरूर सुने, मोमिन की गुमशुदा मिराज है हिकमत, जहां से मिले लें, लेकिन अमल करने के लिए ले, अमल करने के लिए। मैं अब मेरा दिल करता है, अब दिल करता है अब हमारी चुप से भी लोग सबक सीखें। हजरत बाजीद बुस्तामी फरमाया करते थे जिसने हमारी चुप से कुछ नहीं सीखा उसने हमारी तकरीर से क्या सीखना है। अब थोड़ा सा ना इशारों की बोली भी समझें, अब थोड़ा सा ये भी हो कि बस बात पूरी होने ना पाए और इंसान की रगबत अमल की तरफ बढ़ जाए, ये मिजाज हमें दिया है। अब तो भाई आ जाएं आप, सुबह भी तकरीर कर दें, दोपहर को भी तकरीर कर दें, शाम को भी तकरीर कर दें, तो फिर ये भी होता है कि जनाब वो बयान आपने जो सुनाया था ना वो ज़रा दोबारा सुना दें। तो मैं कहता हूँ पहले सुनने पर अमल हो गया था, न करें। अब हमें थोड़ी बातें सीख कर उन पर अमल करना और आगे बढ़ना। बड़ी सादी बात मेरे अब्बा जी बताया करते थे, वाला साहब कहते हैं कि एक देहाती बंदा ना चला गया वो किसी मौली साहब की तकरीर सुनने, तो उस ज़माने में आपको पता है ये वाशरूम का मुरवजा निज़ाम नहीं होता था, तो लोग खेतों में दूसरी जगहों पे पेशाब के लिए जाते थे। तो मौलाना ने एक एहतियात बयान की, वो कहने लगे कि पेशाब सख्त जगह पे ना करो ज़मीन पे बैठकर, वरना पेशाब के चींटे उड़ेंगे, कपड़ों पे पड़ेंगे, और हदीस में सख्त हुक्म है इस मसले। तो कोई नरम जगह हो ऐसी जहाँ पेशाब करें चींटे ना उड़ें। वो बंदा अमल करने वाला था ना, उसने निरी तकरीर सुन के सर धुन के जाना नहीं था, उसने इतनी सारी रेत ले ली कपड़े में बांध ली और वो उसने कंधे पे रखी हुई है, जहाँ पेशाब का वक्त आता पहले रेत बिछाता फिर पेशाब करता ताकि मेरे कपड़ों पे ना पड़े। एक साहब ने उसे कहा कोई हफ्ते बाद चलो बयान सुनने चलें, तो कहने लगा मैं पहले पे अमल कर लूँ यही बड़ा है, मैंने तो इतनी सारी रेत कंधा थक गया है मेरा उस दिन से उठाई है, तो मैं नहीं चाहता कि नहीं भी सुनूँ तो किसी और जगह में। ये तफरी तबाह के लिए बात को ना समझे, उस सादे आदमी ने जो हमें समझाया मुझे और आपको, उस पर गौर करें कि कल भी सुना था, परसों भी सुना था, पीर साहब ने तरसों भी कहा था, शेख ने परसों भी कहा था, पिछले हफ्ते भी कहा था, तूने अगर शेख की भी नहीं सुनी, उस्ताद की भी नहीं सुनी, पीर की भी नहीं सुनी। और इस दौर के पीर जो सही काम करने वाले हैं, उस्ताद जो सही काम करने, मजबूर हो गए बेचारे, कहते किसकी तरबियत करें, किस दर्द से कहा था हजरत सुल्तान बाऊ ने, वो कहते हैं और रब दा तालब कोई भी नहीं मिलया, इतने जो मिले है तालब जरदा हो। ये तो आए हैं कारोबार सीधा करने, फोटो खिंचवाने फलां काम के लिए, ये तो वो जो हम देना चाहते हैं उसका तो मिजाज ही नहीं। पहले भी मैंने कहा था फिर कहता हूँ मुझे शौक नहीं है, खुदा मुझे माफ़ कर दे उस दिन से पहले जिस दिन ये शौक हो कि मैं सवेरे जाऊँगा तो नोट लाऊँगा तो शाम जाऊँगा तो नोट लाऊँगा, ये शौक नहीं है, तबीयत नहीं है, मन नहीं चाहता।
लेकिन ये कि यहाँ भी आ जाएं खिताब कर दें यहाँ भी, ओ खुदा के बंदो हम कहाँ इस काबिल हैं हम खिताब करें, हमने तो ना ये अज़ान देनी शुरू की हुई, सुबह शाम एक अज़ान पढ़ते हैं, है ये पैगाम हज़रत अहमद रज़ा के बारगाह नबी के रहो बावफा, हम तो कहते इधर आ जाओ, ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पे आ पड़ो, काफला तो है रज़ा अव्वल गया आखिर गया, हम तो कहते इधर आओ अल्लाह रसूल की बारगाह की तरफ रुजू करो। और वो एक जुमले पे अगर तो अमल हो गया, प्यार से बातें करता रहता हूँ सबके साथ नहीं करता, जिसका मुझे पता हो कि ये थोड़ा सह लेगा। एक दोस्त ने मुझे कहा कि मैं तो आता हूँ तो मुझे इलाके के लोग कहते हैं उनको बुलाओ, तो मैं कहता हूँ पूरा अमल करना मेरी गलती तो फिर मैं बाकियों को भी लगा जाऊँगा, तो अगर तेरा ही अमल नहीं हो सका तो बाकियों को मैंने जाके क्या समझाना है। तो एक तो आज की जो रात है इससे पहले पहले अपने आमाल की तरफ, मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि शब बरात पे हर मस्जिद से ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आती, आनी भी चाहिए, शब कदर पे आती है, उम्रे पे जाते वक्त लोग माफ़ियाँ मांगते हैं, हज पे जाते वक्त, और करोड़ों लोग ये काम करते हैं साल में, अगर 25 लाख 26 लाख आदमी या 50 लाख आदमी हज करता है और वो जाने से पहले माफ़ी मांग के गया तौबा करके गया है, और करोड़ों लोग हैं जो शब कदर में हैं शब बरात में हैं और उन्होंने खोल के तौबा की है, तो फिर मेरे भाई सवेरे करप्शन ख़त्म होनी चाहिए ना मुल्क से, सवेरे 75% झूठ ख़त्म होना चाहिए ना, सारी रात तो लोगों ने तौबा की, सुबह 80% हुकूकुल इबाद का मसला हल होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए, सुबह मिलावट बहुत हद तक मुल्क से ख़त्म होनी चाहिए। तो क्या हमने समझ लिया है, हमने ये समझा है कि शब बरात पर भी बस एक रस्म अदा करो आओ थोड़ी तौबा करो छुट्टी कर जाओ, आइए शब कदर तो तौबा करो छुट्टी कर जाओ, क्या ये हमने मतलब समझ लिया? हज करने गए रब की बारगाह में हाजिर हुए, रसूल करीम की बारगाह से भी जो हो के आ जाए और बदले ही ना, वहां तक जाए और बदले ही ना, मदीने गए काबे गए करबला गए, जैसे गए थे घूम फिर के वैसे ही आ गए, नतीजा क्या है? अपनी जिंदगी नतीजा खेज बनाए। आज इस खूबसूरत मौके पर जब शब बरात हमारे सामने खड़ी है, अपने जहन में तहिया करें कि अब हमने बदल जाना है, शुगर हो जाए तो बदलना पड़ता है, अल्लाह माफ़ करे चीनी छोड़नी पड़ती है, मन पसंद मिठाइयाँ छोड़नी पड़ती हैं, बदलना पड़ता है, ब्लड प्रेशर हो जाए तो यारों बदलना पड़ता है, अगर इंसान को खुदा ना खास्ता कोई मर्ज लग जाए तो बदलना पड़ता है, औलाद पैदा हो जाए तो बदलना पड़ता है, घर में बेटियां पैदा हो जाएं तो बूढ़े बाप को बदलना पड़ता है, बाल सफ़ेद आ जाएं तो फिर भी तो बदल जाना चाहिए, इंसान की उम्र 40 साल हो जाए तो फिर भी तो बदल जाना चाहिए, शबे बरात पे तौबा करे तो फिर भी तो बदल जाना चाहिए, अब बदल जाएं, अब हम बदल जाएं, अब ना दर्द होती है गाड़ी में बैठे तो कमर पर दर्द होती है, अब हम बदल जाएं, अब लोग बताते हैं तेरे बाल सफ़ेद होने लग गए अब हम बदल गए, अब लोग हमें कहते हैं बच्चे जवान हो गए अब हम बदल गए ना यारो, अब लोग हमें कहते हैं कि ओहो अब तो आप उठते वक़्त ज़मीन पे पहले हाथ रखते हैं फिर उठते हैं, अब बदल ना जाए, अब महसूस होता है कि नींद गहरी नहीं आती, अब महसूस होता है कहीं कहीं जिसम में तकलीफ है, अब बदल ना जाए, अब ना कई क्लास फेलो चले गए दुनिया छोड़ के, बदल ना जाए, अपने बहन भाइयों में से कईयों का जनाजा पड़ा, बदल ना जाए, हम में से कईयों ने माँ बाप दफन कर दिए, फूल डाल दिए कब्रों पे, बदल जाए, अब वक्त थोड़ा रह गया, अब कुछ तब्दीली की तरफ आए, अब तौबा सही वाली कर लें, अब इस्तिग़फ़ार दिल से पढ़ लें, अब तब्दील हो जाएं, अब अपने अंदर बाहर कुछ तब्दीलियां लाएं, अब अपने जाहिर और बातिन को संवारें, अब अल्लाह रसूल की बारगाह में जाना है ना तो कहीं ऐसा ना हो शर्म आए हुजूर के सामने खड़े होते, हया आए नबी करीम की बारगाह में खड़े होते, अब कुछ तब्दीली लाएं, आज इरादा करें कि आज जो तौबा करेंगे वो सही वाली करेंगे, आज जो वहाँ इस्तिग़फ़ार करेंगे अल्लाह के हुजूर हाजिर हो के तो वो सही वाला करेंगे, अब कुछ तब्दीली का मिजाज लाएं। और फिर एक और बात भी अर्ज़ करूँ, हमारे ज़ाती ताल्लुकात सारे धोखा हैं, हमारी जेबों में माल सारा धोखा है,
हमारे बुलंदो बाग दावे सारे धोखा है, हमारे बड़े बड़े रुतबे सारे धोखा है, बड़े ताल्लुकात थे बेटे के पर माँ बीमार थी तो उसे सेहत तो नहीं ताल्लुकात की वजह से मिली सकती, बड़े ताल्लुकात थे ना बेटे के लेकिन जब बीमारी जोर पकड़ गई तो फिर क्या कर सका, बड़े ताल्लुकात थे, बड़ा पैसा था जेब में, बड़ा कुछ था लेकिन जब जनाब इजराइल आए तो फिर कोई कुछ भी ना कर सका, फिर अपने रह गए और जिसको जाना था वो सब चले गए। तो ये जितनी चीज़ें हैं ना ये कुछ नहीं है, ये धोखा है, सच सिर्फ अल्लाह रसूल की ज़ात है, हकीकत सिर्फ दीन है, असल सिर्फ वो बारगाहें हैं, धोखे में ना जिंदा रहो। छोड़ दो ये बात करनी के बड़े ताल्लुकात हैं, छोड़ दो ये बात करनी के बड़ा पैसा है, छोड़ दो ये बात करनी के बरादरी कबीले इलाके में बड़ा, और कुछ भी नहीं है। कुल्लु मन अलैहि फान हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, देखो जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे। मैं मौलाना नूरानी की कब्र पे खड़ा था तो मैं कह रहा था मकदूर हो तो खाक से पूछूं कि ए लईम तूने वो गंज हाय गरा माया क्या किए, इतने इतने बड़े लोग तो ले गए, इतने इतने बड़े लोग, इतने इतने बड़े लोग कब्रों में किधर गए, सुल्तान महमूद गजनवी कहाँ हैं, शहाबुद्दीन गौरी कहाँ हैं, वो लोग जो मैदानों में आकर सिर्फ उनका नाम लिया जाता था तो दुनिया कांप जाती थी, वो कहाँ गए, उठ गए सब लोग चले गए, खत्म हो गया मामला। वक्त अब हमारी तरफ बढ़ रहा है, अब तेजी है, अब पैगामे अजल आया, कई हमारे इर्द गिर्द से उठा के ले गया, अब हमें भी तो वापस लौटना है ना, तो कुछ तैयारी कर लें, कुछ इरादा कर लें। और बारगाह रब रसूल की इस तरह की है कि बस जाने की देर है, बस सिर्फ जाने की देर है, सिर्फ जाने की। और अल्लाह रसूल की बारगाह दोस्तों वो वाली है कि जहाँ ना ज़्यादा मिन्नत भी नहीं करनी पड़ती। वो जो चार पांच लोग थे ना मक्का मुकरमा में, इन्होंने बहुत ही इस्लाम की मुखालफत की हद कर दी थी, उनके लिए हुक्म हुआ था जहाँ मिले कत्ल कर दो, इकरमा थे, इब्ने कत्ल थे, कुछ और लोग थे, तो पता है उनको किसी ने मशवरा क्या दिया था, किसी काफिर ने मशवरा दिया, पर पता सलाह क्या दी थी, उसने कहा था तुमने बड़ी ज्यादतियाँ की हैं, बड़े बेअदब हो, किसी सहाबी के काबू ना आना मार दिए जाओगे, अपनी खताओं के सबब से तुम मार दिए जाओगे, लेकिन अगर किसी तरीके छुपते छुपाते रसूल पाक की बारगाह में पहुंच जाओ ना, अगर वहां किसी तरीके चले जाओ। हमने पूछा माफ़ी कैसे मांगेंगे, मुंह कैसे दिखाएंगे, हमने इतने जुल्म किए, इतनी ज्यादतियाँ की, कैसे माफ़ी मांगेंगे। तो कहने वाले ने कहा कह नहीं कुछ नहीं, तुम बस कह देना हम आ गए, इससे ज़्यादा तो बात ही कोई नहीं, इतना ही तो सिर्फ कहना है आ गए, और ना आते तो जाते भी कहते, बस तुम इतना कह देना इन्ना लब्दा इज़ा तारफ़ा सुम्मताबा ताबल्लाहु अलैहि। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदा जब आके कहता है ना या अल्लाह मैं भूल गया था, गलती हो गई, इन्ना लब्दा इज़ा तारफ़ा मान चुक गया गलती हो गई, जब कहता है ना मैं भूल गया सुम्मताबा, फिर वो तौबा करता, ताब अल्लाह अलैहि, अल्लाह देर करता ही नहीं, फौरन तौबा को कबूल फरमा लेते। हमारे यहाँ ना कुछ लोग तो तबन सख्त हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए, और कुछ रद्द अमल के तौर पर सख्त हो गए, कुछ बातें दिलों में बैठ गई हैं जिन्होंने तबीयतों को सख्त कर दिया है। कभी कहें आप बहू से कि चलो बूढ़ी सास से अगर कभी को बात सख्त निकल गई है तो माफ़ कर दे, वो तैयार नहीं होती, वो कहती है तुम्हें पता नहीं मेरे साथ क्या कुछ हुआ। कभी सास से कहा जाए ना चलो भूल गई थी बच्ची तो आप दरगुजर कर दें, तो कहते हैं तुम्हें पता नहीं मेरे अंदर सख्ती कितनी आ गई है, दुख कितने बैठ गए। हम ना तबीयतों में सख्ती कर बैठे, हमारे दिल धड़कते ज़रूर हैं लेकिन सिर्फ अपने बच्चों के लिए, हमारे सीनों में दर्द उठता ज़रूर है लेकिन सिर्फ अपनों के लिए। हमने ना दो चार पाँच छः बातें जमा करके उन पर पूरा जहन बना के सख्त हो गए हैं, तबीयतें सख्त हैं, दिल सख्त हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, फरमाया जन्नत में वो लोग दाखिल किए जाएंगे जिनके दिल चिड़ियों की तरह नरम है, नरम दिल के लोग, माफ़ कर देने वाले, जल्दी मान जाने वाले। एक साहब थे
अपने भाई से नाराज़ हो गए और उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया। पहले उनके बेटे की वहीं पे निस्बत थी, इनकार कर दिया। तो कई लोगों ने उनसे कहा, मैंने भी कहा, तो वो कहने लगे, पीर साहब इज़्ज़त बड़ी करता हूँ आपकी, लेकिन मैं मर्द हूँ, एक दफ़ा ना कर दूँ तो फिर हाँ नहीं किया करता। तो मैंने उस साहब से कहा, मैंने कहा यूँ ना कर, अगर सुबह क़यामत तेरे बारे में कोई सख्त फ़ैसला आ जाए और रब को मनाना हो किसी मकाम पर तो तू क्या कहेगा। बहाने बना बना के हम सख्त हो गए, दिल इतने सख्त पत्थर कर लिए, मैं फलां होता हूँ जी, मैं नहीं दोबारा किसी की सुनता। ओ खुदा के बंदो, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मोमिन तो इस तरह होता है जिस तरह ऊँट के नाक में नकेल होती है, बिठा दो तो बैठ गया, उठ जाओ तो उठ गया। और हुजूर ने फरमाया, वो लोग जो बहुत बद अखलाक हैं, झगड़ालू हैं, फसादी हैं, सख्त दिल हैं, वो लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। जो झगड़े करते फिरते हैं, झगड़ालू लोग हैं। अजीज दोस्तों, अपनी जिंदगी के अंदर तबीयत में नरमी, अगर तबीयत नरम हो गई ना जी, मिजाज में नरमी आ गई, तो फिर आप महसूस करेंगे कि आप माफ करते भी जल्दी हैं और माफी देते भी जल्दी हैं। फिर आपके ताल्लुकात बचेंगे, आपकी निस्बतें बचेंगी, आपके बहुत सारे रिश्तों में कुर्बत आएगी, टूटेंगे नहीं। एक तो दिल नरम करें, किसी शख्स के बारे में दिल में कोई बात है तो उसे माफ़ करें और माफ़ी दें। कुछ लोग बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, कोई नाराज़गी नहीं होती, लेकिन आपने बच्चे बच्ची की शादी का कार्ड दिया नहीं तो और नाराज़ हो जाते, और फिर आप समझा रहे हैं, कायल कर रहे हैं, वो तैयारी नहीं है कायल होने को। सुनो, और इस हदीस को याद रखना, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास उसका भाई उज़र लाया, भाई माफ़ी मांगने आया और फिर उसने माफ़ ना किया, अल्लाह के हबीब फरमाते, मेरे हौज़े कौसर पे ना आए, तू सख्त होके बैठ गया, तू कहता है मेरे से पहले सुने, मैं आपको बताऊं इसने मेरे साथ किया क्या, और ठहर जा। अगर हिसाब किताब के बाद माफ़ी वाला उसूल रख लिया जाए कि पहले हिसाब किताब होगा, गलतियों का मदावा होगा, फिर माफ़ी होगी, तो यही है साहब, अगर रब करीम बंदों के साथ करे तो फिर मैं और आप किधर जाएंगे। तो इस सादी बात पे आ जाओ ना, तो दो जुमलों में हुजूर ने समझाई है, फरमाया तुम रब के बंदों को माफ कर दो, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। तो आज की शब से पहले, आज के दिन से पहले, रमजान मुबारक के तशरीफ लाने से पहले पहले अपनी तबीयत के अंदर ऐसा जौक लाएं, ऐसी तबीयत लाएं कि हमने माफी देनी भी है और माफी लेनी भी है। बाज़ औक़ात हम रस्म अदा करते हैं शब बरात से पहले, ये सोशल मीडिया पे चल गया, फलाने को फलान कह दिया, अगर कोई कभी हुई हुई ना तो माफ़, ऐसे तो नहीं ना माफ़ियाँ होती। हमें पता होता है हमसे कौन नाराज़ है, हमें खबर होती है हमने किसको तकलीफ दी, हमें पता होता है किसने हमारे लहजों से परेशानी पाई है, कौन है जो हमारी वजह से अजियत का शिकार है, तो उससे जाके माफ़ी मांगे, तो ये चीज़ें माफ़ी का सबब बन जाएंगी। और फिर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो तीन चीज़ें और भी बयान की हैं, मेरा दिल करता है कि वो भी ज़रा आपको अर्ज़ कर दूँ। हुज़ूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने ना जन्नत में ले जाने वाले जब आमाल बयान किए, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक तो ज़कात सही अदा करना, शिर्क से बचना, तौहीद पे कायम रहना, और ज़कात ठीक ठीक अदा करना, और अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना, जन्नत में दाखिल हो जाओगे। ये जो हमारे ज़्यादा करीबी लोग होते हैं ना, इनका हक भी शरीयत ने ज़्यादा रखा है, और ये बाज़ों का तकलीफ़ भी ज़्यादा देते हैं। लेकिन मेरे अजीज़, एक बात समझ लें अच्छी तरह से और अपने दिल में बिठा लें, मैंने दर्जनों बार कही है, फिर कहता हूँ, अल्लाह ताला ने जो ख़ानदान मेरे लिए पसंद किया है ना, मालिक ने मुझे वहाँ पैदा किया, तो जो चचा अल्लाह ने मेरे लिए पसंद किया वो मुझे भी पसंद होना चाहिए, और जो मामू अल्लाह ने मेरे लिए पसंद किया है वो मुझे भी पसंद होना चाहिए। इंसानों के अंदर कमज़ोरियाँ भी होती हैं, खूबियाँ भी होती हैं, लेकिन हमारा ये मसला बन जाता है कि हम ना सिर्फ कमज़ोरियों को डिस्कस करते हैं, खूबियों का तज़करा करते ही नहीं। अपने मिजाज के अंदर इस बात को आपने पैदा करना है। आज एक और इरादा भी करें, एक और अपने जहन के अंदर बात भी ज़्यादा शौक़ के साथ पैदा करें। आप ये कोशिश करें कि अपनी सलाहियतों को देखें कि आप में क्या खूबी है, बोलने की है, लिखने की है, माल खर्च करने की है, किसी को पैगाम देने की है,
मस्जिद नबी शरीफ में एक बीबी सिर्फ झाड़ू खाली देती थी, बीमार हो गई तो सरकार तीमारदारी करने गए और सहाबा ने हुजूर को इत्तला दिए बगैर तदफीन कर दी, जनाजा पढ़ा दिया तो हुजूर ने कब्र पे खड़े होकर दोबारा जनाजा पढ़ाया। अपने वजूद को बेकार नहीं रखना, इससे कोई काम नहीं। अल्लाह फरमाते हैं अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसम व अन्नकुम इलैना ला तुरजाउन, फरमाया तुम क्या समझते हो हमने तुम्हें बेकार पैदा किया है और क्या समझते हो तुमने लौट कर हमारे पास आना नहीं। एक जर्रा भी तो बेकार नहीं हो सकता, लिहाजा मैं किसी शख्स से बेजार नहीं हो सकता। अपनी उस सलाहियत को ज़ाया ना करें। हम ना बहुत सारा वक्त ज़ाया कर रहे हैं, इधर उधर मोबाइल खोल लिया, देर तक फलानी चीज़ देखी, फिर फलानी देखी, फिर फलानी बहस की, तो अपने आप से ना कुछ काम लें, कुछ खिदमात करें। हम ज़्यादा वक्त लोगों का इंटरव्यू करने में ज़ाया करते हैं, दूसरों की तफसीलात हासिल करने में वक्त ज़ाया करते हैं, लोगों का ध्यान रखने में वक्त ज़ाया करते हैं। आज के बाद अपना ध्यान रखना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अपने मामलात का अपने ऊपर थोड़ी तवज्जो देनी है, कोशिश करनी है कि किस हद तक हम अपनी सलाहियत से फ़ायदा लेके किसी का कुछ नफ़ा कर सकते हैं तो वो नफ़ा करें, अपने वजूद को नफ़ा बख्श बनाएँ। हदीस पाक सुनेंगे तो आप महसूस करेंगे कि अल्लाह कितने अजर देने वाला है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने दीन के रस्ते में इतनी देर भी किताल किया, लड़ा इतनी देर जितनी देर ऊँटनी का दूध धोने में लगती है, इतना थोड़ा वक्त भी दीन के लिए अगर कोई निकला, जद्दोजहद की, किताल किया, लड़ा, फरमाया उस बंदे को भी अल्लाह जन्नत अता फरमा देगा। इतना तो काम करें ना, इतना तो काम करें। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने रग़बत दिलाई, यानी जितना भी अमल, हुजूर फरमाने लगे किसी अमल को छोटा ना समझना, कुछ ना ना हो सके तो अपने भाई से मुस्कुरा के मेले लेना, अल्लाह इस पर भी सदके का सवाब अता कर देगा। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया दोज़ख़ से बच जाओ सदका दे के। ख्याल आता था या रसूलल्लाह कितना को दे, तो फरमाया खुश्क खजूर का एक टुकड़ा, यानी पूरी खजूर भी नहीं, खुश्क खजूर का एक टुकड़ा भी खैरात करके बच सकते हो तो वो करके ही सदका दे के अल्लाह के अजाब से बच जाओ। माना क्या है इन सारी रवायतों का कि कुछ करो तो सही ना, कुछ करो तो सही ना। हमारे एक बुजुर्ग थे तो कोरोना के दिनों में उन्होंने एक जुमला कहा, कहने लगे ये कोरोना पता तुम्हें क्या कहने आया है, कहने आया है कि बीमारियाँ आ रही हैं, हालात ख़राब हैं, ये कोरोना नहीं, ये कहता है कुछ करो ना, कुछ अल्लाह अल्लाह करो ना, फारिग ना बैठो, देखो कैसे लोग ढेरों के ढेरों अब जा रहे हैं। अब कुछ कुछ करना है इंशाल्लाह ताला, अब कुछ वक्त ज़ाया नहीं करना। और ज़िंदगी में कुछ मैं कह चुका हूँ कि एक बंदे को भी अल्लाह ने बेकार नहीं पैदा किया, हमने खुद अपने आप को बेकार कर लिया। अपने आप को बेकार ना करें। जब रब कहता फहसिब तुम अन्नमा खलकनाकुम अबस, क्या तुम समझते हो मैंने तुम्हें बेकार पैदा किए। आप लोग बड़े काम के हैं, बस अपने आप को पहचाने। इकबाल कहने लगे अजब नहीं कि खुदा तक तेरी रसाई हो और तेरी नज़र से तो पोशीदा है आदमी का मकान, तो बंदे को नहीं समझ सका तो वहाँ तक तो कैसे जाएगा। अपने आप को पहचाने। ये जो कहते हैं ना मुझसे कुछ भी नहीं होता, नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे, ये कुछ करना नहीं चाहते, ये सिर्फ इधर उधर ध्यान रख के एक फ़ोटो चढ़ा के इधर भाग उधर अपने नफ्स को राज़ी करते हैं। नफ्स बस कह रहा है आज ये कर लो तो वो कर लिया, इधर देख लो तो उधर देख लो, इससे निकलें। मुस्बत मजबूत मुस्तहकम इरादे करें और फिर चल निकलें। लड़ना शर्त होता है, जीतना शर्त नहीं होता। तारीख ये नहीं देखती कि जीता कौन कौन, तारीख ये देखती है कि लड़ा कौन कौन, मैदान में कौन कौन रहा। अल्लाह बदर में कामयाबियाँ देता है, ओहद में कई दफ़ा कहता है वापस पलटो, खंदक आएगी तो फिर कामयाबियाँ मिल जाएंगी, खैबर आएगा तो फिर कामयाबियाँ मिल जाएंगी। तो इसलिए हमेशा जीतना ही ज़रूरी नहीं, लड़ना ज़रूरी है। हिम्मत करें, कोशिश करें। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।